बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ये इक्वेशन की एक टाइप है। हमने इक्वेशंस के बारे में पहले भी बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ है। इक्वेशंस क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था, ऐसी दो पॉलीनोमियल्स जिनके दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए उसे हम इक्वेशन कहते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, याद रखिएगा, ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर, हाइस्ट पावर 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 2 आ रही हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। देखिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी हुई है, ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां मैं लिख देता हूं, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, उर्दू में हम इसको बता सकते हैं कि ये इसकी मियारी शक्ल है। मियारी शक्ल मतलब कि जो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे उसकी जो फॉर्मेशन है, उसकी जो बनावट है, वो इस तरह की ही होगी। अच्छा, इसको हम इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये जो ए बी और सी यूज़ हो रहे हैं ये क्या होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं। और याद रखिएगा, ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये रियल नंबर का मतलब क्या है कि कोई भी हो सकते हैं, वो रैशनल भी हो सकते हैं, वो इरेशनल भी हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, वो पॉइंट में भी हो सकते हैं, वो किसी भी टाइप के, ए बी सी किसी भी टाइप के नंबर हो सकते हैं। लेकिन हमने कभी ए की जगह पर जीरो नहीं करना। अगर ए की जगह जीरो हो जाए तो ये पूरे का पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा और आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। यानी इसके ऊपर अगर हमारे पास डिग्री 1 हो तो ये लीनियर इक्वेशन होती है। ये आपने पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ा होगा। अच्छा चलो, इसके आगे आप देखेंगे ये ए बी सी अगर रियल नंबर हैं और ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये ए और बी जो हैं ये कोफिशिएंट्स होते हैं। जो भी हमारे पास वेरिएबल लिखा हुआ हो उस वेरिएबल के साथ जो यहाँ पे आपके पास एक नंबर होता है, जैसे 2x लिखा, जैसे 3x की पावर 2y लिख दिया, ये जो नंबर मैं लिख रहा हूँ ये सब के सब क्या हैं, ये आपके कोफिशिएंट्स हैं। और यहाँ पर जो आपको एक ऐसा नंबर नज़र आ रहा हो जिसके साथ वेरिएबल ना हो उसे हम बोलते हैं ये कॉन्स्टेंट है। अब ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक और फॉर्मेशन भी होती है इक्वेशन की, उसको हम बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, लेकिन उसमें ये बी इक्वल टू 0 है, बी अगर इक्वल टू 0 होगा तो ये फैक्टर आपका 0 हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा ए एक्स की 2 प्लस सी इक्वल टू 0। तो ऐसी फॉर्मेशन जिसके अंदर आपके पास नंबर इस टाइप में लिखे हुए होंगे उसे हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, प्योर फॉर्म के अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। जैसे मैं 2x की 2 प्लस 5 लिखता हूँ तो ये एक प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x की 2 प्लस 7 लिखता हूँ तो ये एक प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी नंबर आपके पास अगर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 3x की 2 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, याद रखिएगा इक्वल में 0 होना चाहिए। अगर इक्वल में आपके पास 0 नहीं है तो आपके पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आपने हर क्वेश्चन को करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले आपके पास जो कोफिशियंट होगा वो एक्स स्क्वायर वाला होगा, उसके बाद जो कोफिशियंट होगा वो एक्स वाला होगा, उसके बाद जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा और इक्वल में हमेशा 0 होगा और ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। देखें, आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2x की 2 प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0 लिखता हूं फॉर एग्जांपल, तो देखें ये इसके साथ आप कंपेयर करके देखें, ये बनता है ax की 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखें ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। यहां पर आप देखें ये जो चीजें आ रही हैं ये इसके इक्वल है, यानी a किसके इक्वल होगा 2 के, क्योंकि x के इक्वल है तो इसके कोफिशिएंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। अच्छा जी, ये b जो है वो किसके इक्वल होगा 5 के, और सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा 8 के। आपके पास जो भी इक्वेशन होगी उसके अंदर आपके पास ए बी सी इसी तरह इसी फॉर्मेशन के साथ बने हुए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2x की 2 प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखता हूं तो याद रखिएगा इसमें भी x वाला कोफिशिएंट होगा लेकिन उसके साथ 0 है और ये ऐसे होगा। देखें, ए इज इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 5। तो ये आपके पास हर दफा ऐसी ही फॉर्मेशन में चीजें आएंगी। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती है इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो याद रखिएगा सॉल्व करने का मतलब क्या है, वो आपको सिंपल ये कहेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें या सॉल्व द क्वेश्चन, या वो आपको कह देगा सिंप्लीफाई द इक्वेशन।
इस तरह का जब भी वो जिक्र करेगा तो इसका मतलब यही है कि आपने इक्वेशन के अंदर, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें आपने x की जगह पर एक ऐसा नंबर पुट करना है, x की जगह पर एक ऐसा नंबर पुट करना है जो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर आपको जीरो दे। अच्छा, और दूसरी बात ये कि याद रखिएगा इसकी पावर कितनी है, 2। अगर किसी भी क्वेश्चन की डिग्री 2 हो तो इट्स मीन उसके 2 आंसर निकलेंगे, यानी इसके हमारे पास 2 आंसर या 2 रूट्स निकलेंगे, यानी हमारे पास 2 ऐसे जवाब होंगे, 2 ऐसे आंसर्स होंगे जिनको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास आंसर जीरो आएंगे। अब वो हमारे जो आंसर्स हैं या वो हमारे जो रूट्स हैं उसको हमने कैसे निकालना है, तो उसको निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड आते हैं। उसमें जो पहला मेथड है उसको हम बोलते हैं, जो पहला मेथड आता है उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। एक हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, नंबर 2 हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो थर्ड मेथड है इसका वो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 मेथड है जिनको हमने 1 by 1 डिस्कस करना है कि हमारे पास किस तरीके के साथ वो रूट्स निकालने हैं, वो रूट्स कैसे निकलेंगे, और उनके बारे में हम मजीद डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इस लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसकी प्योर फॉर्म कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है और उसकी प्योर फॉर्म कौन सी है, और इक्वेशन के अंदर कैसे कैसे रूट्स होते हैं, रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें और इसको तैयार कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर अल्लाह हाफिज़।